नमस्कार दोस्तों, बाबा ट्रेनिंग सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके डिस्प्ले पे आज हम लोग सीखने वाले हैं सैमसंग टॉप लोड वाशिंग मशीन के पीसीबी के डायग्राम के बारे में दोस्तों। ठीक है, जो मशीन देख रहे हैं इसी मशीन का डायग्राम हम लोग आज सीखेंगे, कैसे कनेक्शन किया जाता है। और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो नीचे जो रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं उसको एक बार जरूर प्रेस कर दीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिए दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि आज हम लोग इस वीडियो में क्या सीखते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस पीसीबी को आप गौर से देख लीजिए और दिमाग में इसको बैठा लीजिए। ठीक है, इसमें कितना जैक है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जैक है दोस्तों। ठीक है, अभी से 8 जैक के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले लाइन इन के बारे में जानेंगे, ठीक है दोस्तों, उसके बाद लाइन आउट के बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, लाइन इन में देखिए, ये आपका ब्लैक एंड व्हाइट जो है लाइन और न्यूट्रल है दोस्तों। ठीक है, ये आपका पीसीबी में डायरेक्ट चलाया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे पीसीबी है, इसका पॉइंट वन और पॉइंट टू में जो है लाइन इन हुआ है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें दो तरह का दो पीसीबी है दोस्तों, एक छोटा है एसएमपीएस, ठीक है, एक मेन पीसीबी है। तो अब लाइन इन हुआ है आपका मेन पीसीबी में, ठीक है, अब एसएमपीएस में सप्लाई देना पड़ेगा। देखिए एसएमपीएस में सप्लाई कहाँ से गया है? यहाँ पर, ठीक है, पॉइंट वन और पॉइंट फोर से। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे पॉइंट वन और पॉइंट फोर से, यहाँ पे दो पिन खाली रहता है दोस्तों। ठीक है, पॉइंट वन और पॉइंट फोर से यहाँ पे कनेक्शन आया हुआ है, देखिए चलाया है। इसके बाद यहाँ जो तीन पिन है और यहाँ जो तीन पिन है दोस्तों, ठीक है, ये दोनों आपस में कनेक्ट होगा, इसके बाद ही पीसीबी काम करेगा दोस्तों। देख रहे हैं आपस में कनेक्ट हो गया। इसके बाद दोस्तों देखते हैं सेंसर का जो कनेक्शन है आपका वो कैसे होगा, डोर स्विच पे लाइन कहाँ जा रहा है उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए ये जो यहाँ देख रहे हैं जो जैक है, जूम कर दिखा रहे हैं दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे छः पिन होता है, 1 2 3 4 5 6, छः पिन है। ठीक है, छः पिन के बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ सबसे पहला जो पिन आया है दोस्तों चला गया है डोर स्विच पे, इसमें दो डोर सेंसर लगा रहता है दोस्तों और एक डोर स्विच लगा रहता है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे दो डोर सेंसर, एक डोर सेंसर यहाँ है और एक डोर सेंसर यहाँ है, मतलब दोनों साइड, दाहिने साइड और बाएं साइड दोनों साइड डोर सेंसर लगा हुआ होता है और एक यहाँ पे डोर स्विच जो होता है, पुराने वाले मशीन में भी देखे होंगे आप, ठीक है, ये डोर स्विच लगा रहता है दोस्तों। ठीक है, देखिए इससे पहला जो कनेक्शन निकलेगा ब्लू कलर का, ठीक है, वो सीधा जाएगा डोर स्विच के ऊपर में एक, ठीक है, और उसके बाद डोर स्विच पे फिर एक जाएगा ऑरेंज कलर का कनेक्शन। ठीक है, 1 2 3, चौथा नंबर जो कनेक्शन है वो भी जाएगा आपका डोर स्विच पे। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि 1 2 3ों तार है तो तीन तार जो है लगातार है तो तीन तार जो है जाएगा सेंसर पे दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ पे कंपनी थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, आपका पिंक कलर और पर्पल कलर जो है सेंसर पे भेज दिया है और जस्ट उसके बगल में ऑरेंज कलर है दोस्तों, ठीक है, उसको भेज दिया है डोर स्विच पे, उसको सेंसर पे नहीं भेजा है, लास्ट वाला जो कनेक्शन है उसको दिया है सेंसर पे डाल। ठीक है, लेकिन हम लोग को क्या लगेगा कि चलो तीन तार यहाँ से आया है तो तीन तार सेंसर पे ही गया होगा, तो इन तीनों तार का हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे, देखेंगे कंटिन्यूटी बता नहीं रहा है तो मतलब वायरिंग खराब है, नहीं दोस्तों। ठीक है, कंपनी यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा दिया है और ये जो चौथा पिन है ऑरेंज कलर का, ठीक है, वो आपका जाएगा डोर स्विच पे। ठीक है, यहाँ पे डोर स्विच का कहानी खत्म हो गया, दो कनेक्शन डोर स्विच पे चला गया दोस्तों। उसके बाद सेंसर देखते हैं, ठीक है, सेंसर पे जाएगा 2 नंबर पिन, 3 नंबर पिन और 6 नंबर पिन से कनेक्शन। ठीक है, 2 3 और 6, मतलब 3 2 6, अच्छा कॉम्बिनेशन है दोस्तों, 2 3 2 × 3 इजकल टू 6, मतलब 2 3 6, ठीक है, तो 2 3 6 जो है ये आपका जाएगा प्रेशर सेंसर पे दोस्तों। ठीक है, देख रहे हैं तार गया हुआ है पिंक पर्पल और ऑरेंज कलर का जो है तार, देख रहे हैं 6 नंबर पिन से आया हुआ है, गया है प्रेशर सेंसर पे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो डोर स्विच बचता है,
ठीक है, वहां से कनेक्शन आता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो पांच नंबर पिन है आपका, ठीक है, पांच नंबर पिन से एक लाइन आउट हुआ है और गया है आपका डोर सेंसर पे, दूसरा जो डोर सेंसर है उस पर, ठीक है, और एक जो पिन निकला है दोस्तों, ठीक है, कनेक्शन निकला है जो आया है प्रेशर सेंसर पे, वहाँ से एक आउट हुआ है जो गया है आपका डोर स्विच पे, और डोर स्विच से होते हुए आपका गया है डोर सेंसर के ऊपर दोस्तों, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एक ऑरेंज कलर का जो कनेक्शन निकला है गया है डोर स्विच पे, डोर स्विच से डोर सेंसर पे गया है दोस्तों, आपको हम बता दिए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मोटर के कनेक्शन के बारे में दोस्तों, ठीक है। देखिए यहां से जो है, ये जो आप देख रहे हैं, यहां से दो कनेक्शन निकला है दोस्तों, दो तार निकला है, ठीक है, एक ब्लू और एक रेड, ब्लू और रेड, और एक तार यहां से निकला है येलो कलर का, ठीक है, देख रहे हैं येलो यहां से निकला है, रेड और ब्लू यहां से निकला है दोस्तों। देखिए रेड निकला है, रेड निकल के सीधा गया है कहां दोस्तों, मोटर पे, ठीक है। ब्लू भी निकला है, ब्लू भी निकल के कहां गया दोस्तों, डायरेक्ट मोटर पे, ठीक है, चला गया मोटर पे। अब यहां से येलो निकला दोस्तों, येलो जो है दोस्तों कॉमन वायर है, ठीक है, इसके बारे में आपको बताएंगे हम, येलो कॉमन वायर है दोस्तों, ठीक है। पहले ये दो कनेक्शन के बारे में हम लोग जान लेते हैं, कहां आया दोस्तों, मोटर पे, ये भी कहां है दोस्तों, मोटर पे, ठीक है। लेकिन बीच में देखिए यहां पे एक जॉइंट बना हुआ है, मतलब समझिए कि मोटर को स्टार्ट करने के लिए जो स्टार्टर होता है, कैपेसिटर होता है, ठीक है, जो पावर देता है उसको घुमाने के लिए, ठीक है, कैपेसिटर से कनेक्ट होकर जाता है मोटर में, मतलब तार जो है कैपेसिटर से होकर जाएगा। सेमी ऑटोमेटिक में भी आपको हम बताए थे कि कैपेसिटर से होते हुए मोटर पे स्टार्टिंग और रनिंग जाता है दोस्तों। तो एक रेड और एक ब्लू चला गया कैपेसिटर में तार, और एक जॉइंट बना, जॉइंट बन के डायरेक्ट गया है मोटर में आपका, ठीक है। इसके बाद देखिए पीला जो है दोस्तों एक कॉमन वायर है, ठीक है, यहां से निकला है कॉमन वायर, मतलब इनलेट वाल्व पे गया है, ड्रेन मोटर पे भी गया है और मेन मोटर पे भी गया है दोस्तों। देखिए यहां से निकला है, सबसे पहले जाता है इनलेट वाल्व पे, आप ध्यान दिए होंगे इनलेट वाल्व पे, तो इनलेट वाल्व पे जो येलो कलर का वायर होता है तो एक इन होता है, उसी में से एक पतला तार निकलता भी है दोस्तों, ठीक है, आउट के लिए, तो एक आउट भी होता है, वहीं से आउट होकर चला जाता है मोटर पे, ठीक है, फिर मोटर पे जो जेक होगा दोस्तों वहां से भी एक तार निकलता है और निकल के जाता है ड्रेन मोटर पे, ठीक है। यहां से निकलता है इसका मतलब नहीं है दोस्तों कुछ भी, ठीक है ना, आप इसको यहां भी ज्वाइंट कर सकते हैं, इसको यहां भी ज्वाइंट कर सकते हैं, इसको यहां भी ज्वाइंट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कहीं भी ज्वाइंट करके आप एक तार को यहां मोटर पे लेके एक ड्रेन मोटर पे लेके जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। कॉमन का मतलब ये था, कॉमन कहीं भी बना सकते हैं आप, यहां ज्वाइंट करके तीन तार निकाल लीजिए, तीनों तार को एक इनलेट वाल्व पे, एक मोटर पे और एक ड्रेन मोटर पे आप डाल सकते हैं दोस्तों। कॉमन का मतलब ये होता है आप कहीं भी ज्वाइंट अपने हिसाब से बना सकते हैं, ऐसा नहीं कंपनी ज्वाइंट किया है जहां पर वहीं पे ज्वाइंट करना, अगर यहां चूहा तार काटता है दोस्तों तो हम लोग क्या करते हैं कि तार को डायरेक्ट जोड़ देते हैं, यहां से एक तार यहां पर जोड़ देते हैं, ठीक है, इनलेट वाल्व का कॉमन चला गया। इसके बाद दोस्तों देखते हैं इसका इनलेट वाल्व और ड्रेन मोटर का कनेक्शन जो है, देखें दोस्तों इसके बाद बच गया आपका ये जो जैक है, ठीक है, इस जैक का कनेक्शन देख रहे हैं यहां पे, एक दो तीन छह पिन दिया है दोस्तों, ठीक है, छह पिन में मात्र दो पिन ही यूज में आया हुआ है। देखिए एक निकला है ब्लैक कलर का यहां से ड्रेन मोटर पे चला गया दोस्तों, इसके बाद यहां से एक निकला है और चला गया है इनलेट वाल्व पे, ठीक है, छह पिन है दोस्तों, छह पिन में मात्र दो ही पिन इसमें यूज होता है, एक ड्रेन मोटर पे चला गया है, एक चला गया है इनलेट वाल्व पे दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों देखिए हमारा जो वायरिंग डायग्राम है पूरा हुआ, ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों आपको अगर समझ में आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया है, अगर कुछ दिक्कत लगा दोस्तों कुछ समझ में नहीं आया तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं कुछ भी, अगर आपको इशू है फील्ड में तो आप कॉमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों, आपको हम कॉमेंट में जवाब दे देंगे, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और अगर आपकी इच्छा है दोस्तों तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं वीडियो को, और एक बार फिर से रिक्वेस्ट है दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।